हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो जैसा कि आपको हमने कल बताया ही था कि बजट के ऊपर कल हमने हाइलाइट्स दिए थे, आज हम आपको क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2020-2021 का बजट कौन सी तिथि को पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 2020 को बजट पेश किया गया विधानसभा के अंदर। ओके, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने चौथे बजट में कितनी राशि आवंटित की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आंकड़ा आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। 512,860 करोड़ रुपए जो हैं 2020-21 की ईयर में ऐसे लॉन्च किया गया। ये हमारा चौथा बजट और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, पिछले बजट से इसमें 6.46% की बढ़ोतरी देखी गई है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश 2020-21 बजट किससे द्वारा प्रस्तुत किया गया या किसने प्रस्तुत किया है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया या किसने प्रस्तुत किया है? तो जो राज्य वित्त मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, सुरेश खन्ना जी, इन्होंने विधानसभा में ये बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश 2020-21 बजट में सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 97 करोड़ रुपये जो हैं लखनऊ योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। यूपी बजट में तेजाब बलात्कार से पीड़ित को आर्थिक सहायता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 28 करोड़ रुपए की जो राशि है आवंटित की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश बजट नहीं बोल रहे तब भी आप इतना तो समझ ही जाएंगे, यूपी बजट की बात हो रही, तो ये जो राशि है यूपी बजट में आवंटित की गई है 1200 करोड़ रुपये, 1200 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 122 करोड़ रुपये जो है पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता, आगरा मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 286 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तलाकशुदा महिलाओं को कितनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी? तो जो तलाकशुदा महिलाएं होंगी उन्हें 500 रुपये जो है प्रति माह के पेंशन के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3194 करोड़ रुपये जो हैं एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए। यहीं से आपको याद रखना है, जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में गन्ने का कितना समर्थन मूल्य रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 325 रुपये प्रति क्विंटल जो है गन्ने का समर्थन मूल्य रखने का प्रस्ताव रख दिया गया है। अगर आपने UPRO का एग्ज़ाम दिया है तो ये कल अभी हमने बताया था, अगर UPRO लास्ट ईयर दिया था आपने तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ था। उस समय जो बजट पेश हुआ था उसमें ये बताया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो बजट पेश किया गया है विधानसभा में किन के द्वारा किया गया, तो वित्त मंत्री वो समय जो थे उनके द्वारा वह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी बजट 2020 में स्पेशल कोड का गठन करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 75 करोड़ रुपए हैं जिसके द्वारा स्पेशल कोड गठित किए जाएंगे, जो 218 कोड स्थापित करने के लिए ये दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कितने कोड? तो 218 स्पेशल कोड गठित करने के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ओके, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो यूपी बजट 2020-21 से कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 291 करोड़ रुपए हैं जो मातृ वंदना योजना है उसके लिए ये आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी बजट 2021 में दिव्यांगों को कितनी राशि पेंशन के रूप में आवंटित की गई है? तो 500 रुपये तो प्रतिमा पेंशन मिलेंगे और 621 करोड़ एक बल्क में इन्हें आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 18,363 करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए गए हैं समग्र शिक्षा अभियान के लिए। ये डेटा ऐसा ही एज इट इज़ आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 111 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 पिछले बजट से कितना परसेंट अधिक रहा? जैसा कि अभी हमने बताया 4.46% अधिक रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में
प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो वो राशि तो की गई है 40.13 करोड़ रुपये। और आयुष विश्वविद्यालय के बारे में, ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रस्तावित है। इस विवि में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, सिद्ध पद्धति से इलाज की व्यवस्था होगी। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि जो आयुष विश्वविद्यालय, प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है, कहाँ बनेगा या कहाँ प्रस्तावित है, तो गोरखपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो ये 100 करोड़। और युवा हब के लिए पूछी जाएगी, जो हर जिले में युवा हब बनेगा उसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 13 जिले कौन कौन से हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए यूपी बजट में 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वो जिले हैं बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली। ये 13 जिले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में बेसिक शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 19,000 रुपये जो हैं दिए गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने दिए गए हैं, 12,988 करोड़ 90,53,000 रुपये दिए गए हैं। और उच्च शिक्षा के बारे में अगर पूछेंगे तो 3,651 करोड़ रुपये 66,93,000 रुपये उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं। निःशुल्क किताबों के लिए 1.90 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगर मुफ्त जूते मोजे पूछे जाएंगे तो 300 करोड़ रुपये दिए गए। मुफ्त यूनिफॉर्म पूछी जाएगी तो आप 300 करोड़ रुपये बताएंगे। मिड डे मील के लिए 1,910 करोड़ रुपये दिए गए हैं बजट के अंदर से। ओके, अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान है वह कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा मुरादाबाद में, ठीक है। अब सहकारी चीनी मिलों को मूल्य भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो सहकारी चीनी मिलों के लिए 500 करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा में कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो 10.34 करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए गए हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान जो है मथुरा के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, जो मथुरा कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हेतु कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, तो 1,357 करोड़ रुपए जो है इसके लिए व्यवस्था, जो सड़क ग्रामीण में जो सड़क है उनके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे, जितने भी बन रहे थे, हमने सभी इसमें रख दिए हैं। अगर इन बजट से अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके डेटा से तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, अब बात करेंगे जो बजट 2020-21 है उसमें कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। तो आवास 500,000 मकानों के निर्माणों का लक्ष्य रखा गया है, 6,240 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। खाद्यान्न उत्पादन अगर पूछी जाए तो 641.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। तिलहन उत्पादन की बात करेंगे तो 13.90 लाख मीट्रिक टन का ये लक्ष्य इन्होंने रखा है। बीज वितरण की बात करेंगे तो 61.43 लाख क्विंटल बीज वितरण का इन्होंने लक्ष्य रखा है। उर्वरक वितरण की बात करेंगे तो 102 लाख मीट्रिक टन जो है इन्होंने उर्वरक वितरण का, मतलब कि जो खाद वगैरह वितरण की जाती है उसका इन्होंने ये लक्ष्य रखा है। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। बजट से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने बहुत अच्छे से देने की कोशिश की है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें भी इतना मोटिवेशन मिलेगा अगर लाइव करेंगे। और अगर कोई क्वेरी है इसके बाद भी बजट के अंदर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो और टिकटॉक ऐप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर भी हम वीडियो देते रहते हैं शॉर्ट में। और अगर आप ट्विटर और शेयरचैट भी यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा ऑडियो सुनने के लिए हमारे खबरी चैनल को ज़रूर फॉलो करें और वहाँ सुने। वहाँ से क्या होगा कि आप वीडियो भी देखेंगे और ऑडियो भी सुनेंगे तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको हर जगह अगर अकाउंट सर्च करना है तो तैयारी बिगनर्स की के नाम से आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। ओके,
एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों को खुश रखिए और हमेशा मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।